Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है झारखंड SSC की तरफ से टीचर्स की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. अच्छे खासे नंबर ऑफ सीट पे ये वैकेंसी आने वाली है. ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी. मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. सो चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि आपका जॉब प्रोफाइल तो पता है कि टीचर का है, बट एग्जाम की पैटर्न क्या होगी, इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगा, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना. तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. जैसा कि आपको बताया है कि वैकेंसी आई है आपको JSSC झारखंड टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. तो JSSC का मतलब जान लेते हैं हम लोग, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. मतलब हर स्टेट का ना एक होता है कि आयोग होता है जिसके थ्रू ना वैकेंसीज रिक्रूट कराई जाती है. तो झारखंड के आया है तो JSSC की तरफ से रिक्रूटमेंट ली जाएगी. टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स. अगर आपने मतलब आपके पास ये सब एलिजिबिलिटी वगैरह है ना तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका निकल कर आया है. 25,998 मीन्स कि आपका 26,000 के अप्रॉक्स सीट्स के लिए ये वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी है. सो आइए इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको बता देती हूँ. आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 16th of August 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 15th of September 2023 रहने वाला है. बट आपको फ्रेंड्स 15 सितंबर का वेट नहीं करना है. जैसा आप सब जानते हो कि 16 अगस्त से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो, अदरवाइज बाद में सर्वर इशू की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. तो चलो फ्रेंड्स देख लेती हूँ फॉर्म की फी क्या रहने वाली है. फॉर्म की फी की बात करें तो जनरल OBC EWS से 100 रुपीज लिया जाता है, वहीं पे SC ST कैंडिडेट से 50 रुपीज की चार्जेस यहाँ पे ली जाती है. आइए अब एज लिमिट देख लेते हैं फ्रेंड्स. योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of August 2023. मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहने वाली है एज की. तो आइए अब आपको पोस्ट नेम, कितना सीट है पोस्ट वाइज और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वो बता देती हूँ. जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट पोस्ट है इंटर ट्रेंड असिस्टेंट टीचर के लिए. मतलब जो इंटरमीडिएट लेवल का जो ट्रेनिंग कर रखे होंगे असिस्टेंट टीचर के लिए वैकेंसी है. Class 1 to 5 पारा के लिए 5469 सीट्स पे वैकेंसी है. इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर Class 1 to 5 नॉन पारा के लिए 5531 सीट रखा गया है. ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर लैंग्वेज टीचर के लिए 6 to 8 पारा के लिए 2459 सीट्स पे वैकेंसी है. ग्रेजुएट ट्रेंड का जो असिस्टेंट टीचर है लैंग्वेज 6 to 8 क्लास नॉन पारा 2529 सीट रखा गया है. TGT सोशल साइंस 6 to 8 क्लास पारा के लिए 2467 सीट है. TGT सोशल साइंस 6 to 8 क्लास नॉन पारा के लिए 2535 सीट्स पे वैकेंसी है. TGT साइंस एंड मैथ 6 to 8 क्लास पारा वालों के लिए 2470 सीट्स रखे गए हैं. TGT साइंस एंड मैथ 6 to 8 क्लास नॉन पारा 2538 सीट्स. मतलब कि ये सब आपका जो है ग्रेजुएशन जो होगा ना ग्रेजुएट ट्रेंड के लिए ये आपको मैंने बताया है और ये इंटरमीडिएट वालों के लिए. तो आइए इस अकॉर्डिंग मैं आपको मोटा मोटी तौर पे ना एक क्वालिफिकेशन बता देती हूँ, क्योंकि क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखा गया तो वो फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली समझना होगा. एक नॉर्मली सी मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए 12th पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ BEd एंड DLed होना चाहिए. ये मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ. ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd एंड DLed, साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें एक्सपीरियंस वगैरह है, डिप्लोमा क्या सब है वो आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा. तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल रहने वाला है, बस 2 स्टेज है.
फर्स्ट होता है आपका रिटन एग्जाम, मतलब कि आपका पेपर होगा, एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, आप अच्छे टीचर बन सकते हो उसके बाद। तो चलो फ्रेंड्स, मैं एग्जाम की पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, दोनों ही पोस्ट के लिए बताऊंगी। आपका ये एग्जाम पैटर्न हो गया टीजीटी टीचर्स के लिए। इसमें आपको ना फ्रेंड्स फोर पेपर होता है। पेपर वन होता है आपका मातृभाषा का रहता है, मातृ लैंग्वेज, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का रहता है। तो इसमें कोई सा भी लैंग्वेज हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, बोडो, खासी, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, संस्कृत, आप कोई भी चूज कर सकते हो। पेपर टू आपका रहता है, ये भी लैंग्वेज से ही रहता है, तो इसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इसमें भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज का दे सकते हो पेपर। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए ये भी 2 आवर्स का होता है। पेपर थ्री में आपका जीके एंड करेंट अफेयर्स का रहता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर्स का रहता है। देन होता है आपका पेपर फोर। पेपर फोर ना आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ये आपको चूज करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट से टीचिंग करना चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के लिए एंड 3 आवर्स का आपका ये पेपर रखा जाता है। ओवरऑल अगर हम चारों पेपर मिला करके देखेंगे फ्रेंड्स, तो 480 क्वेश्चन 480 मार्क्स के लिए एंड आपका 9 आवर्स में टीजीटी टीचर्स का ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। देन बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पीआरटी टीचर्स के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका पेपर वन वही सेम मातृ लैंग्वेज का होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का रहता है। पेपर टू भी सेम ही आपका लैंग्वेज का रहता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का पेपर रहेगा। हाँ फ्रेंड्स, इसमें बस पेपर थर्ड होता है, कोई पेपर फोर नहीं होता है। तो पेपर थर्ड में आपको जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स के ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 3 आवर्स में ये पेपर्स आपको कंडक्ट कराए जाते हैं। मतलब कि ओवरऑल अगर देखें तो 500 क्वेश्चन 500 मार्क्स के लिए 5 आवर्स का ही आपका पेपर रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो आपको एग्जाम पैटर्न बताया है आप उसको क्लियरली समझ पा रहे होंगे, और अगर समझने में दिक्कत है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है आपको सैलरी क्या मिलेगा ज्वाइनिंग के बाद। और जैसा आप सबको पता है कि झारखंड के टीचर्स की वैकेंसी, तो जॉब लोकेशन झारखंड में होगा। जॉब की प्रोफाइल एक अच्छा टीचर्स का है, क्लास 1 to 5, 6 to 8 तक की वैकेंसी है, तो वो आपको मैं बता देती हूँ कि आपको सैलरी क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हो इंटरमीडिएट असिस्टेंट टीचर 1 to 5 के लिए यहाँ पे लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से स्टार्टिंग होती है एंड आपको 81,100 तक आपको सैलरी मिलती है। ग्रेजुएट असिस्टेंट टीचर 6 to 8 क्लास वालों के लिए लेवल 5 की होती है आपकी सैलरी 29,200 से स्टार्टिंग होती है एंड आपका जो हायर सैलरी होती है 92,300 की रहती है। इसमें आपको अच्छा पर्क्स एंड अलाउंसेस होता है, पर ईयर सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, बहुत सारे बोनस पॉइंट्स वगैरह होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई करो, एग्जाम को क्रैक करो और जल्दी से जल्दी एक टीचर की जॉब आप हासिल कर लो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताए हैं झारखंड एसएससी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन है ना यार, वहाँ पे आके क्वेरीज पूछो आप। अदरवाइज आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम पे भी आप आके पूछ सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एमआर सरकारी जॉब अपडेट करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप ना नोटिफिकेशन वगैरह सारे जॉब का देख सकते हो। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग भर भर के लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम टाइम पे शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। सो मिलूंगी आपसे फिर से किसी धमाकेदार जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।